अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग चने। मुर्ग चने बनाना के लिए हम लोग मुर्ग चने के अंदर दही या टमाटर वगैरह नहीं यूज करते हैं, हम सिर्फ प्याज अदरक लहसुन में बनाते हैं। मुर्ग चने के अंदर खटास नहीं होती, कुछ जगहों में यूज़ भी किया जाता है लेकिन मैं जैसे ओरिजिनल बनते हैं उस टाइप का बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैंने लेस देन हाफ कप ऑयल लिया। अच्छा, जिस चीज़ों में ऑयल बाकायदा नज़र नहीं आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना लूँ। ठीक है, अभी मैंने इसमें लिया है लेस देन हाफ कप, तकरीबन 1/4 कप ऑयल है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं डालूँगी चिकन, क्योंकि मुझे इन दोनों को फ्राई करना है अच्छी तरह। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, थाई और लेग के पीसे हुए। इसको अब हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन गोल्डन नहीं हो जाती, ठीक है ना। अब इसके फ्राई करने तकरीबन इसमें 10 मिनट लगेंगे। ये थोड़े से चिकन गोल्डन होना शुरू हो जाए तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हल्का हल्का चिकन भुनना शुरू हो गया। अब इसी के साथ हम मसाला डाल के भुनेंगे। देखिए क्या क्या डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच कुटी मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच नमक है। ये डालेंगे, थोड़ा सा साथ में पानी डालेंगे ताकि चिकन जले ना और मसाला जले ना। ये तकरीबन 2-3 टेबल स्पून पानी डाले हैं, ठीक है ना। आप इसके साथ भूनेंगे चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह। साथ ही मैं डालूंगी थोड़ी सी तली प्याज। आपने देखा होगा धनिया और जीरा नहीं डाला। धनिया जीरा मैं आखिर में भून पीस के डालूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1/2 कप तली प्याज डालूंगी, ठीक है। ये 2 टेबलस्पून धनिया है और 2 टीस्पून जीरा है। इन दोनों का भी भून के पीसूंगी। इसके अलावा 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच वाइट पेपर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, ये भी पड़ेगा जब हम चने डाल देंगे उसके बाद, ठीक है। इसके साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे, 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए भुन चुका। अब इसमें मैं ये डालूँगी 50 ग्राम मसूर की दाल, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी साथ में डालेंगे ताकि मसाला लगे ना। इसके साथ मैं डालूँगी 1 टीस्पून सोडा, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये उबले हुए चने और उसका पानी, ठीक है। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, इसके अलावा इसमें डलेगा 1 चम्मच चिकन पाउडर, ठीक है। अच्छा, चने जो मैंने बॉईल किए थे उसमें नमक नहीं है, ठीक है। सबको नमक को यही नमक और चिकन पाउडर कंपनसेट करेगा जो अभी हमने डाला है, ठीक है। अब हम इसको एक उबाल आने देंगे। अच्छा सा उबाल आ जाता है तो धीमी आंच पर इसको 1/2 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं आपको 1/2 घंटे बाद दिखाऊंगी कि 1/2 घंटे बाद इसकी क्या शक्ल है। चने बिल्कुल गले हुए हैं लेकिन इसमें जाके सोडे की वजह से ये और नरम हो जाएंगे और मज़ेदार हो जाएंगे। देखिए अभी से कलर मुर्ग चने का जो लाहौर में होता है उसका आ गया है। ऊपर से आप चाहें तो देसी घी डालें, मैं आखिर में देसी घी डालूंगी, उबले अंडे डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको खौलाना शुरू हो गया। अब इस पर मैं लगाऊंगी ढकना और 1/2 घंटे के लिए इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। चिकन और चना और मसूर की दाल सब कुछ 1/2 घंटे में गल जाएगा, फिर मैं 1/2 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए चिकन चने मुर्ग चने तैयार हैं। अब ये मैंने इसमें डाल दिया
धनिया और ज़ीरा भुना पिसा, इसका बिल्कुल अलग सा अरोमा आता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, आप भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। ये मेरे छोटे भाई फ़ायक अलमदार को बेइंतहा पसंद है। फ़ायक, ये डिश तुम्हारे लिए, तुम भी बनवाना खाना। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, रेसिपी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, उनको भी लाइक करने को बताइए, और रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।